इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अल्मीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अल्मीरा। कन्नौज की पुलिस का अनोखा न्याय आमजन के बीच खूब चर्चित हो रहा है। यहाँ पुलिस ने चोरी की बरामद भैंस के मालिक को पहचानने का काम खुद भैंस से करवाया। असल में बरामद भैंस के दो दावेदार कोतवाली पहुंच गए थे और भैंस अपनी होने का दावा कर रहे थे। पुलिस जब फैसला नहीं कर सकी तो भैंस के बीच में छोड़ दिया। फिर क्या था, भैंस अपने असली मालिक के पास पहुँच कर खड़ी हो गई। दरअसल मामला ये है कि कन्नौज के तीरवा कोतवाली क्षेत्र में अलीनगर निवासी धर्मेंद्र की भैंस 3 दिन पहले चोरी हो गई थी। 3 दिन पहले ही तालग्राम के वीरेंद्र की भैंस भी चोरी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरी की भैंस बरामद कर ली। भैंस बरामद होने की जानकारी मिलते ही धर्मेंद्र और वीरेंद्र तीरवा कोतवाली पहुंच गए। दोनों भैंस पर अपना दावा कर रहे थे। जब पुलिस दोनों का फैसला नहीं करवा पाई तो उसने मालिक पहचानने का काम भैंस पर ही छोड़ दिया। कोतवाली के SSI विजय कांत मिश्रा ने दोनों दावेदारों के बीच में भैंस छोड़ दी। दोनों ने आवाज देकर भैंस को अपनी तरफ बुलाया। थोड़ी देर बाद भैंस ने अपने असली मालिक धर्मेंद्र को पहचान लिया और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मामला एक भैंस का आया था, दो पक्ष कह रहे थे मेरी भैंस है, वो कह रहे थे मेरी भैंस। फिर कैसे निर्णय हुआ? मैंने फैसला भैंस के ऊपर ही डाल दिया कि जिस पक्ष की भैंस होगी उसके साथ चली जाएगी। तो मामला निपट गया? हाँ निपट गया, जिसके साथ जानी थी भैंस जिसकी थी उसके साथ भैंस चली गई। दूसरे पक्ष ने इस बात को संतुष्ट हो गया कि हाँ भैंस उसी की है। SSI के इस सूझबूझ भरे निर्णय की जमकर सराहना हो रही है। भैंस का दूसरा दावेदार भी इस फैसले से सहमत हो गया वह चुपचाप अपने गाँव वापस चला गया। कन्नौज से राम ऋषि पांडे की रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।